Hello everyone, I am Dr. Vishal Redu, Assistant Professor of English, Government College Aliwa, Jind. Our today's topic is 7 types of gender inequality, written by Dr. Amartya Sen. First of all, we have a brief introduction about the writer Dr. Amartya Sen. He was born on November 3, 1933 at Shanti Niketan. Ki unka janam 3 November 1933 mein hua. Graduated from Presidency College, Kolkata in 1953, and he got his higher education from Trinity College, Cambridge. He worked as a professor of economics in Jadavpur University, Kolkata. Kyunki economics unka vishay tha, aur economics ke professor ke taur pe unhone Jadavpur University, Kolkata mein kaam kiya. Unke karyon ko dekhte hue, 1998 mein उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया. भारतीय समाज में उनकी गहन रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी स्टडी का जो विषय है वो भारतीय समाज को रखा. हिज वर्क ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन डेवलपमेंट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. कि उनका जो कार्य है कि डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है, उसमें औरतों के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, इस पर जो उन्होंने लेखन का कार्य किया वो बहुत महत्वपूर्ण था. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी की राइटर यहां पर बात कर रहा है डॉक्टर अमर्त्य सेन. हेयर आर द 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी डिस्कस बाय राइटर डॉक्टर अमर्त्य सेन. फर्स्ट इज मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी, नेटेलिटी इनइक्वालिटी, बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, ऑनरशिप इनइक्वालिटी, हाउस होल्ड इनइक्वालिटी. देन दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी डिस्कस बाय द राइटर एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट हेयर इज द मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी. इट इज इनइक्वालिटी बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन. वास्तव में ये जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, कि वो किस प्रकार से है, इट इज बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन. कि जो मृत्यु दर की जो असमानता है आदमी और औरतों में, कि आदमियों की अपेक्षा औरतों की जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है. बायस्ड अप्रोच अगेंस्ट गर्ल्स इन देयर अपब्रिंगिंग, हेल्थ एंड डाइट. क्योंकि कुछ देश हमारे संसार में ऐसे हैं जहां पर कि लड़कियों का जो पालन पोषण होता है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उसमें उनसे भेदभाव किया जाता है. चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे डाइट की बात हो, खान पान की बात हो, कि लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है. मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन इज हायर. और इसीलिए राइटर क्या बताना चाह रहा है कि इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि औरतों की जो मृत्यु दर है पूरे संसार में वो सबसे ज्यादा है. सेकंड हमारी इनइक्वालिटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज नेटेलिटी इनइक्वालिटी. जन्म दर के हिसाब से जो असमानता है आदमियों में, औरतों में, लड़के या लड़कियों में. In many countries, the preference is given to the boys over girls. बहुत संसार में बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहां पर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. पेरेंट्स वॉन्ट न्यू बॉर्न बेबी टू बी ए बॉय. कि पेरेंट्स भी हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी नया बच्चा पैदा हो वो लड़का हो. बहुत सारे पेरेंट्स कई बार अल्ट्रासाउंड के द्वारा पहले ही ये पता कर लेते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी लड़का है या लड़की. अगर न्यू बॉर्न बेबी डॉक्टर के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये बता दिया जाए कि वो लड़की है, तो पेरेंट्स अबॉर्शन की तरफ जो है चल पड़ते हैं, उस बच्ची को गर्भ के अंदर ही मरवा देते हैं. सो देर इज ए पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस इन मेल एंड फीमेल. राइटर यही बताना चाह रहा है क्योंकि नेटेलिटी इनइक्वालिटी है इस संसार के अंदर बहुत सारे देशों में फैल रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस हो गया है मेल और फीमेल के अंदर. कि जो मेल और फीमेल रेशियो है
कि वो लगातार बढ़ती जा रही है कि 1000 आदमियों के ऊपर जो औरतों की संख्या है वो हमेशा हमेशा जो है लगातार कम होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेसिक फैसिलिटी इनइक्वलिटी, कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं एक लड़के और लड़की को उसमें किस प्रकार से असमानता की जाती है। इन मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका देर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन गर्ल एजुकेशन, कि एशिया के बहुत सारे देश हैं हमारे, अफ्रीका लेटिन अमेरिका की हम बात करें, कि लड़कियों की जो शिक्षा है उसको लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है एज कंपेयर टू द बॉयज। लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग फॉर द गर्ल्स, लड़कियों को यहां तक कि स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की भी अपॉर्चुनिटी बहुत कम प्राप्त होती है। गर्ल्स आर नॉट एनकरेज टू कल्टिवेट देयर हिडन टैलेंट, यहां तक कि लड़कियों में अगर कोई उनका छुपा हुआ कोई टैलेंट उनके अंदर है उसको भी निखारने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता, उनको हौसला नहीं दिया जाता एज कंपेयर टू द बॉयज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वलिटी। इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन फॉर गर्ल इज लेस, कि अगर हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आते हैं वहां पर भी उच्च शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटी है मौका है अवसर है वो लड़कियों को बहुत कम मिलता है। दे थिंक द एरियाज ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, वहां लोगों का क्या मानना है कि आदमी और औरतें उनका कार्य करने का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है, कि आदमी अलग तरह के काम करेंगे औरतें अलग तरह के काम करेंगी। दिस इनइक्वलिटी कैन बी सीन इन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल वर्क, ये ऐसी असमानता है जो शिक्षा में भी दिखाई देती है वहां पर, ट्रेनिंग के दौरान भी दिखाई देती है या कोई प्रोफेशनल कार्य है वहां पर भी दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोफेशनल इनइक्वलिटी। इट इज द इनइक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन, कि चाहे नौकरी की बात हो चाहे प्रमोशन की बात हो, कि वहां पर भी मेल और फीमेल में असमानता की जाती है। फॉर एग्जाम्पल राइटर ने बताया है इन जापान दिस इनइक्वलिटी कैन नॉट बी सीन, कि जापान में यह असमानता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दिखाई नहीं देती, बट इन द प्रोमोशन टू हायर लेवल जॉब्स फीमेल फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन अगर प्रमोशन की बात आती है जो कि हायर लेवल ऑफ जॉब्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि फीमेल्स फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एज कंपेयर टू मेल, कि औरतों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आदमियों की बजाय। नेक्स्ट हमारा है ऑनरशिप इनइक्वलिटी। दिस इज इन शेयरिंग ऑफ एसेट एंड प्रॉपर्टी, कि जहां तक कि ऑनरशिप की बात है मालिकाना हक की बात है वहां पर भी लड़के और लड़कियों में आदमी और औरतों में बहुत असमानता है, ऐसा राइटर अमर्त्य सेन हमें बता रहे हैं। और पर्टिकुलरली चाहे एसेट की बात करें पूंजी की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें धन दौलत की बात करें, वुमेन आर डिनाइड शेयर्स इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, यहां तक कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें भी औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता। ऑनरशिप राइट्स आर आल्सो नॉट गिवन टू देम, मालिकाना हक भी औरतों को नहीं दिया जाता। दिस टाइप ऑफ इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अधिकतर हिस्सों में इस प्रकार की जो असमानता है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है हाउस होल्ड इनइक्वलिटी, जहां तक कि घर के काम की बात है उसमें भी बहुत असमानता हमें देखने को मिलती है। और इसका मतलब क्या है, इट इज इन द मैटर ऑफ शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन, के घर के कामों का को भी शेयर करने से मतलब है और बच्चों के रख रखाव से भी मतलब है। इन मैनी कंट्रीज मैन वर्क आउटसाइड द होम एंड डोंट डू एनी हाउस होल्ड वर्क एंड चाइल्ड केयर, बहुत से संसार के ऐसे देश हैं जहां आदमी क्या करते हैं घर से बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं लेकिन घर आने के बाद वो किसी भी कार्य में औरतों का हाथ नहीं बटाते हैं और ना ही वो बच्चों के रखरखाव का कार्य करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।